हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। प्यारे बच्चों नमस्कार, आज हम आपके लिए एक टॉपिक नवोदय पर फिर से लाए हैं, जिसके अंतर्गत संख्या और संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल में बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के जो है तो वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन दिए हैं कुछ, जैसे कि फर्स्ट नंबर है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यह संख्या क्या है। मतलब इसको अच्छे से आप समझिए कि एक संख्या है और अपने 20% से, मतलब जो संख्या है संख्या हमें पता नहीं है और वो संख्या खुद मतलब स्वयं अपने से 20% से जो है तो 40 अधिक है, तो वो संख्या क्या है। तो जब हमको संख्या मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम संख्या को x मान लेते हैं। यहाँ हम पहला सवाल लगा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या x है, माना संख्या x है, हमने संख्या x मान लिया। आप 60 में इसको लगाने का प्रयास करिए। इसके बाद जैसे प्रश्न कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक संख्या मतलब जो x है इक्वल इसी x से मतलब स्वयं से, स्वयं का मतलब x का मतलब गुना 20%, तो ये हम प्रतिशत जो है तो लगा दिए। फिर दिया है 40 अधिक है तो हम 40 अधिक भी कर दें। तो इस तरह ये जो है तो पूरा समीकरण बन गया कि एक संख्या अपने स्वयं से या स्वयं का 20% जो है तो से जो है तो 40 अधिक है। तो इस तरह ये समीकरण बन गया। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, x बराबर x गुणे 20, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 40 है। इसमें से देखिए हम इधर की संख्या को इधर की संख्या से काट सकते हैं, इधर की संख्या को इधर की संख्या से काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, लेकिन ऊपर नीचे यहाँ संख्या कट जाएगी क्योंकि गुणा का चिन्ह है। तो ये देखिए हम इसको काट देते हैं तो एक कम दो पंचे 10, 1/5 आ जाता है। तो इसको हम राइट कर लेते हैं, x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही आएगा और 5 आ गया और प्लस 40। अब देखिए यहाँ x के 1/5 दिया है तो हम 40 के 1/1 बना सकते हैं, मतलब किसी भी संख्या का हर एक बनाया जा सकता है। तो यहाँ हम इसको देखिए कैसे राइट करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट 5 जो है तो LCM ले लिए, इसके नीचे आप 1 राइट कर सकते हैं यदि करना हो तो। अब देखिए मैंने 5 LCM लिया, 5 का डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाएगा। आप ऐसा समझिए यदि इसके नीचे हम 1 रखते हैं तो 1 का गुणा 5 बार आएगा, फिर 5 का गुणा हमको इसमें भी करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप ये समझिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 × 20 और 1 0 है तो 1 0 मैंने डायरेक्ट यहाँ राइट किया है, 200 आ गया और 5 से 5 कट गया तो यहाँ x बस जो है तो आ गया है। तो इस तरह यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आगे करेंगे तो x इक्वल, अब देखिए एक काम हम यहाँ करते हैं, ये जो 5 भाग में था तो जब इसको हम पक्षांतरित करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा तो इधर आएगा तो 5x हो जाएगा और x प्लस ये 200 है ही। इसके बाद देखिए ये किस तरह लगेगा, ये 5x है तो 5x राइट कर दिए, ये प्लस में है इसको पक्षांतरित करेंगे बाईं ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो x हो जाएगा क्योंकि तो प्लस में था और वो 200 है ही। इसके बाद देखिए इसको कैसे लगाएंगे, 5x में x घटा दिए तो 4x हो गया और बराबर 200, तो x बराबर हो जाएगा ये 200 है, ये
चार जो है तो नीचे आ जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो चार से कट जाएगा, चार पंचे 20 और ये 0, तो 50 आंसर आ जाएगा। तो ये 50 जो है तो आंसर आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो अपने 20% से, मतलब एक संख्या जो है तो खुद अपने या स्वयं अपने 50% से जो है 40 अधिक है, तो वो संख्या जो है तो 50 होगी। अब इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो एक स्कूल में 26 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, तो जब एक स्कूल में 26 कमरे और प्रत्येक कमरे में, मतलब 26 कमरे तो हैं लेकिन एक कमरे में कितने पौधे लगाए गए हैं? 4 पौधे। तो 26 कमरे में कितने पौधे लगाए जाएंगे? 26 में हम 4 का क्या कर लेंगे? गुणा। तो चलिए पहले क्रम से लगाते हैं, फिर ऐसे करते जाते हैं इसको। तो दूसरा का यहाँ हम करेंगे, एक कमरे में पौधे कितने लगे हैं? एक कमरे में पौधे टोटल कितने लगे हैं? 4। तो 26 कमरे में कितने पौधे लग जाएंगे? ये एक एक नियम से सवाल लगेगा। 26 कमरे में पौधे जो है दो लग जाएंगे, पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 6 24 की 4 फिर 2, 4 2 8 2 10, 104 आ जाएगा, मतलब 104 पौधे 26 कमरे में लगेंगे। इसके बाद दिया है यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। अब यहाँ जो है ये टोटल पौधे आ गए कि मतलब 26 कमरे में जितने कुल पौधे थे तो उनकी जो है तो संख्या आ गई। अब दिया है फिर से इसके आगे इसी तरह से हम लगाएंगे क्योंकि तो एक एक नियम ये भी है, यहाँ तक तो मैंने एक एक नियम के थ्रू लगाया, यहाँ से फिर एक एक नियम हो जाएगा क्योंकि एक पौधे में पानी डाला जाता है कितने कप? 2 कप। तो कुल पौधे कितने हैं? 104। तो अब यहाँ से हल करना शुरू करेंगे कि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। तो हम यहाँ राइट करेंगे कि एक पौधे में पानी, एक पौधे में पानी जो है तो डाला जाता है कितने कप? 2 कप। यहाँ मैंने राइट कर दिया कि एक पौधे में पानी जो है तो डाला जाता है कितने कप? 2 कप। तो अब यहाँ कुल पौधे कितने हैं? 104, मतलब 26 कमरे में कुल पौधे 104 हैं। तो 104 पौधों में पानी, 104 पौधों में पानी डाला जाता है पानी जो है तो डाला जाएगा कितना? कुल पौधे 104 हैं, 104 और एक पौधे में पानी डाला जाता है 2 कप, तो 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 का 0 में गुणा तो 0, तो एक कम 2, 208। मतलब जब एक पौधे में पानी 2 कप डाला जाएगा तो 104 पौधे में पानी डाला जाएगा, 104 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 208 का जो है तो आंसर आ जाएगा। तो यही जो है तो आंसर है। तो इस तरह से इसको बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप हिंदी लिखने का ज़्यादा प्रयास ना करिए, इसको एकदम से शॉर्ट में लगाने का प्रयास करिए जिससे आपके समय की बचत होगी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए।